हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। तो इससे पहले, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है और उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मादार प्रोडक्ट में से एक है। बहुत सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ये प्रोडक्ट खाना देता है, ठीक है। बहुत दिनों से ये चल रहे हैं तो हम इसे बनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है, सबसे पहले ये कॉस्टिक सोडा लाई बिलो 36 डिग्री टेम्परेचर का होना चाहिए। टेम्परेचर में इसको मिलाना है और ठंडा होने तक वेट करना है। ये है सोपस्टोन पाउडर, कॉस्टिक सोडा लाई लेना है, सोपस्टोन पाउडर लेना है। इसके लिए आपको लेना है सोडा सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और कोकोनट ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, महुआ ऑयल और कैस्टर ऑयल। इसका जो कॉम्पोजिशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसमें देखिए, इसमें मैंने सोडा सिलिकेट, सोपस्टोन और जो ऑयल है सब मिला के रखे हैं, महुआ ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल, ठीक है। इसको वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने मिला के रखा है। और इसे भी मैं ये लाई को भी रेडी करके रखा है। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ये पेस्ट बनता जा रहा है। दोस्तों अच्छा से इसको मिलाना है और जब ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है, तो इसको एक छाँचा लेकर उसमें डाल देना है। ये बन जाएगा हमारा कपड़ा धोने वाला साबुन। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, कभी कभी तो डिटर्जेंट पाउडर से भी ये अच्छा काम करता है। इसमें सोपस्टोन पाउडर है, वो आपका स्क्रबिंग का काम भी करता है और इसमें अच्छा धुलाई होता है।
बस इसको आप एक छाछा लेकर उसमें डाल दीजिए और 2-3 घंटा के अंदर ये जम के रेडी हो जाएगा, बन जाएगा आपका कपड़ा धोने वाला साबुन। ये बहुत दिन से ये काम चल रहा है और ये दोस्तों आप घर में भी ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ये कोल्ड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, कोल्ड प्रोसेस में बनाया जाता है। मैं मेकिंग प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, थोड़ा लगता है टाइम लेकिन अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों एक के बाद एक मैं रिक्वेस्टेड वीडियो लाऊंगा, तो जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अपने परिवारों में, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।